नमस्कार दोस्तों, अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इसमें आपको बहुत से कलर्स इसके कैटलॉग में मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से 10 लाख तक की लोन दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी चौहान। स्वागत करती हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अजमेरा फैशन में साड़ीज, कुर्तीज, ड्रेस मटेरियल, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स, ब्लाउज़, पेटीकोट, ये सारी चीज़ें हम एज अ होल सेलर हम सेल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्क साड़ीज़ की। बनारसी सिल्क हो गई, पट्टू सिल्क हो गई, और जितने भी टाइप के हमारे पास सिल्क है उसके मैं आज आपको सैंपल्स दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला सैंपल जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है। बटर सिल्क बेस पर आपको मिला गया, इसका जो है लुक क्रिएट किया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा आपको ये सैंपल मिल रहा है। अगर हम इसकी ओवरऑल लुक की बात करें दोस्तों, तो बहुत ब्यूटीफुल इसका जो वर्क है किया गया है। प्योर इसमें वीविंग का काम किया गया है दोस्तों। प्योर सिल्क बेस पर आपको मिल रही है, डिफरेंट कलर का इसमें आपको शेड मिल रहा है, जरी का काम इसमें किया गया है। अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक क्रिएट होता है, जो बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, इसके बाद की अगर हम सैंपल की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट सैंपल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है हमारे पास इसका। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इसमें आपको बहुत से कलर्स इसके कैटलॉग में मिल जाएंगे। अगर हम इसके डिज़ाइंस की बात करें दोस्तों, तो बहुत से डिज़ाइंस इसमें हमारे पास आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल इसका कलर चार्ट है, डार्क ब्लू कलर और गोल्डन जरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, प्योर धागों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, किसी भी तरह का इसमें कलर का यूज़ नहीं किया गया है, जो इसकी बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से पूरी साड़ी का ओवरऑल लुक आता है, जो बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप ये चीज़ें सेल करना चाहें, अगर आप अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने शॉप में रख सकते हैं। सेल के पर्पज़ से आप ये चीज़ रख सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहें, आप अपनी अच्छी मार्जिन इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सैंपल की अगर हम बात करें तो ये ब्यूटीफुल सा मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत इसमें आपको रानी कलर का मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ। अगर बात करें इसकी पल्लू की, तो आपको ये प्योर रिच पल्लू में मिल जाएगा, सिल्क बेस पर आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट आपको ये फैब्रिक मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव इसका कलर चार्ट मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें, तो कुछ इस तरह से आपको इसका ओवरऑल लुक मिलेगा, जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको डिफरेंट कलर्स में दिखाए, डिफरेंट पैटर्न में दिखाए। नेक्स्ट पैटर्न जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पर्सनली मेरी फेवरेट है, काफ़ी ब्यूटीफुल इसका कलर चार्ट है। अगर हम इसकी डिज़ाइंस की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन में इसको क्रिएट किया गया है दोस्तों। अगर इसके पल्लू की बात करें तो रिच पल्लू में आपको ये मिल रहा है, देख रहे हैं कुछ इस तरह से इसके पल्लू का वर्क किया गया है, बारीक इसमें वीविंग का वर्क किया गया है। अगर हम इसमें बात करें तो आपको गोल्डन जरी का इसमें बारीकी से काम किया गया है। इसके बॉर्डर की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से इसके बॉर्डर को मेनटेन किया गया है, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। कलर की अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस तरह से पूरी साड़ी का आपको ओवरऑल लुक मिल रहा है, जो बहुत क्रिएटिव लगता है, पहनने के बाद बहुत अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट सैंपल की अगर आपको बात करूं, नेक्स्ट पैटर्न की बात करूं, तो प्योर जरी वर्क में आपको दिखाना चाहती हूं। बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है ये दोस्तों, आप देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव इसका कलर चार्ट आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल आपको ये मिल रहा है, रिच पल्लू के साथ आपको मिल रहा है। इसमें गोल्डन जरी का वर्क किया गया है, काफ़ी बारीकी से इसमें हैंडवर्क किया गया है दोस्तों, जिस तरह से देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल से इसका जो मेंटेन किया गया है, फैब्रिक हो गया, पैटर्न्स हो गए। अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करें दोस्तों, तो बॉर्डर में भी देख रहे हैं काफ़ी बारीकी से इसका जो वर्क है वो मेंटेन किया गया है दोस्तों। अगर हम इसके कलर चार्ट की बात करें, तो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न में दोस्तों बात करें, तो बनारसी साड़ी में मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत हैवी साड़ी का जो है आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ। लाइट रेड कलर का आपको ये मिल रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा इसका दिखा रही हूँ।
प्योर इसमें जरी वर्क किया गया है, विविंग का इसमें वर्क किया गया है दोस्तों। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं प्योर जरी का है, किसी तरह के इसमें कलर का यूज़ नहीं किया गया है, प्योर जरी का इसमें काम किया गया है। रिच पल्लू के साथ आपको मिल रहा है। उसके ओवरऑल बॉडी की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरह से इसकी ओवरऑल बॉडी का वर्क मिल जाएगा। अगर हम इसके पैनल की बात करें तो कुछ इस तरह से इसके पैनल का वर्क जो है वो मेंटेन किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद की अगर सैंपल की बात करें, इसके कलर चार्ट की बात करें तो इसमें आपको बहुत से कलर्स मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सैंपल की अगर बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल से आपको ये बनारसी साड़ी मिल जाएगी। बहुत अट्रैक्टिव इसका कलर चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी आपको ये नज़र आ रही है। बुट्टा पैचेस में आपको ये मिल रहा है, रिच पल्लू के साथ मिल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर आपको डायमंड का टचअप किया गया है, जो और भी इसकी खासियत बढ़ाती है। डायमंड के टचअप के साथ अगर दोस्तों इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, येलो कलर हो गया, जरी का वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी बारीकी से आपको दिखाई दे रही हैं, जो बहुत अच्छे से इसका लुक क्रिएट करती हैं। अगर हम इसके पल्लू के एंड की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से इसका पल्लू भी मेंटेन किया गया है दोस्तों। देख पा रहे हैं धागों से इसका पल्लू का जो एंड झालर जिसे कहते हैं, जो झालर में इसका वर्क मेंटेन किया गया है दोस्तों। अगर दोस्तों हम इसके कलर चार्ट की बात करें तो चार का ये सेट आता है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल इसका कलर चार्ट आपको दिख रहा है। प्योर हैंडवर्क के साथ आपको ये मिल जाएगा। जो भी पैटर्न्स मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर उसके हम सेट की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरह से इसका प्रॉपर सेट आपको मिलता है, जो चार का सेट होता है, कोई छः का होता है। डिपेंड करता है किस तरह का कैटलॉग आप लेना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये लाइव दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से प्रॉपर हमारा सेट आता है पैकेजिंग में से। लाइव पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से ये सैंपल आप देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा। मैं आपको डार्क ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर सैंपल दिखा रही हूँ। पेपर सिल्क पे आपको ये मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिल्क की बात करें तो बहुत से सिल्क में पैटर्न्स आ जाते हैं, सिल्क के भी बहुत से प्रकार हो जाते हैं, बहुत से डिज़ाइंस हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर है पेपर सिल्क के बेस पर आपको मिल रहा है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं ये इसका पल्लू का काम हो गया, पल्लू में कुछ इस तरह से आपको ये राउंड वर्क जो देख रहे हैं जरी का, ये वर्क मिल रहा है। अगर इसकी हम बॉडी की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपको इसमें बॉडी मिल रही है। चेक्स पैटर्न में आपको इसकी बॉडी का वर्क किया गया है, जो बहुत ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करता है। हम अगर इसके ओवरऑल लुक की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक क्रिएट होता है, जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों एक सेट की बात की जाए तो एक सेट में आपको सभी कलर्स सेम नहीं मिलते, आप देख पा रहे हैं सारे आपको कलर्स इसमें डिफरेंट मिल रहे हैं, सारे जो पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट मिल रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों। डिफरेंट कलर की बात करें, चार का ये सेट पर्टिकुलर था तो चार के चार कलर इसमें आपको डिफरेंट मिल रहे थे। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत से पैटर्न्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत से डिज़ाइंस मैंने आपको दिखाए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है काफ़ी हैवी जो हैंडवर्क वाली साड़ी जिसे कहते हैं बनारसी साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। प्योर हैंडवर्क के साथ इसका काम किया गया है। देखिए दोस्तों रिच पल्लू आपको मिल रहा है, प्योर आपको सिल्क बेस पर मिल रहा है। अगर इसके हम पल्लू की बात करें तो रिच पल्लू के साथ इसमें देखिए डायमंड का काफ़ी अच्छे से इसमें काम किया गया है, स्टोन का काम जिस पर जिसको कहते हैं। तीन से चार कलर के इसमें डायमंड का वर्क किया गया है, सिल्क बेस पर आपको ये मिल रहा है। अगर हम इसकी जो बॉर्डर है बॉर्डर का हम अगर बात करें तो कुछ इस तरह से बॉर्डर का आपको इसमें काम मिल जाएगा। अगर साड़ी का पैटर्न्स की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल से इसके पैटर्न्स मिल जाएंगे, आप देख पा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल आपको ये साड़ी का लुक मिल रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी साड़ीज़ की प्राइस की बात की जाए तो मैं आपको वीडियो में इसकी प्राइजेस नहीं बता सकती। मेन वजह यही है कि ये चीज़ें आप एज अ होलसेलर हमसे ख़रीद रहे हैं और ये चीज़ें आप आगे सेल करना चाहते हैं, तो अभी अगर हम आपको प्राइस बता देंगे लाइव वीडियो में तो शायद ये चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज कीजिए, हमारे ऑनलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको अटेंड करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप किस तरह से ये चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बात इन्वेस्टमेंट की, कपड़े का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का दो तरीका हो सकता है। सबसे पहला, अगर आप अपनी खुद की दुकान ओपन करना चाहते हैं या
मॉल लगाना चाहते हैं तो उसके केस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अगर मैं मॉल की बात करूँ, मिनी मॉल अगर आप लगाना चाहते हैं तो 15 लाख से 20 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट लगेगा। दूसरी बात, अगर आप दुकान ओपन करना चाहते हैं, जो कम से कम 500 स्क्वायर फीट का दुकान अगर आप ओपन करने वाले हैं, तो उस केस में आपको कम से कम 5 लाख से लेके और 10 लाख के बीच का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप इंटीरियर में कितना खर्चा करते हैं, किस प्रकार के आप कपड़े को रख रहे हैं, किस जगह पे आपका कपड़ा का वो दुकान है, जहाँ का रेंट कितना है, क्या उसका सिक्योरिटी है, ये सारा कुछ तय होता है। लेकिन लमसम में इतना आपको लग सकता है। वहीं इसका दूसरा तरीका है, कपड़े के बिजनेस को ऑनलाइन सेलिंग किया जाए। आज की डेट में ये ट्रेंडी है बिजनेस कपड़े को ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए। ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए आपका जो ओवरऑल बजट है, इन्वेस्टमेंट है, वो 50,000 से भी कम में हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस काम को करने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या लोन भी मिलता है, तो जी बिल्कुल मिलता है। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से आपको मिलेगा मुद्रा लोन। सरकार की तरफ से 10 लाख तक की लोन दी जाती है। दोस्तों, लोन लेने का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपने ढंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा नहीं किया तो लोन आपका रिजेक्ट हो जाए। इसमें हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा न्यू स्टार्टअप्स के साथ खड़े हैं। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए वेबसाइट पर संपर्क कीजिए या इस ईमेल एड्रेस पर आप संपर्क कीजिए। अब मैं बात करूं कि कपड़े का बिजनेस में प्रॉफिट क्या होता है। तो दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट का कोई सीमा नहीं है। डिपेंड करता है कि किस जगह पे बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं। फिर भी अगर लमसम की मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट 30% से लेके 100% तक जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।